मंदिर में बीती रात दो पुजारियों की निर्मम तरीके से अज्ञात बदमाशों द्वारा ईंट पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक महिला एवं एक पुरुष पुजारी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला महाराजगंज जनपद के परसा मलिक थाना क्षेत्र के महदेया गांव का है। जानकारी के मुताबिक बीते कई वर्षों से उसी गांव के लगभग 70 वर्षीय पुजारी रामरतन मिश्र और लगभग 65 वर्षीय नेपाल की निवासी पुजारी कलावती देवी मंदिर परिसर में एक कमरे में रहते थे और पूरे मंदिर की देखभाल और पूजा पाठ करते थे। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने देखा कि मंदिर के समीप दोनों के खून से लथपथ शव पड़े हैं, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव को ईंट पत्थरों से बुरी तरह कुचला हुआ प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई वर्षों से दोनों पुजारी इसी मंदिर परिसर में रहते थे और पूजा पाठ करते थे। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष नरसिंह पांडे ने इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जो इस डबल मर्डर की जांच में जुटी है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या के मामले में जांच पड़ताल के दौरान संपत्ति विवाद का भी मामला सामने आया है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। किस तरह का ये घटना हुआ है और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? थाना परसा मलिक क्षेत्र में गांव है महदेया, यहाँ पे एक मंदिर में एक बुजुर्ग रहते थे, लगभग 70 साल एज थी, और एक महिला रहती थी, उनकी भी करीब 60-65 साल एज थी। इन दोनों की रात में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला कुछ पैसे और संपत्ति का लेके लग रहा है। बाकी अभी विवेचना होगी। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। सर, डबल मर्डर जो हुआ है वो यहाँ मंदिर में पुजारी और पुजारीन बताए जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या जानते हैं? एक जो बुजुर्ग हैं वो यहीं गाँव के हैं, महदेया गाँव के ही, और महिला जो हैं वो नेपाल की बताई जा रही हैं, और नेपाल से भी करीब 15-20 साल से वो यहाँ रह रही हैं। उनके परिवार से संपर्क था, वो आते जाते रहते थे। अभी संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हमने पूछताछ के लिए बिठाया है, बाकी अभी पता करके कार्रवाई की जाएगी। तो मंदिर में क्या करते थे ये दोनों लोग, इनकी हत्या हुई है? मंदिर की देख रेख करते थे और एक एक कमरा बना हुआ है, उसी में रहते थे, छोटा सा मंदिर। गाँव यादव है, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ ग्राम प्रधान है यहाँ की। और सुबह हमको पता चला कोई आया यहाँ पे मंदिर पे, तो ये दो लोग रहते हैं, पुजारी और पुजारी मतलब साधु महात्मा थे और काफ़ी दिनों से यहाँ वो लोग रह रहे थे। और उनकी घटना जब जो यहाँ पे आए, देखे कि उन लोगों की लाश ऐसे पड़ी हुई है, तो वो गांव पे सूचना दिए। गांव पे हालांकि हमारे पास भी सूचना मिली, जैसे तैसे गांव के लोग दौड़ के आए यहाँ पे, देखे, अब देख रहे हैं कि वास्तव में एक जगह पे पूरा खून से ज़मीन लथपथ हुई है और वहाँ से घिसेटे का पहचान बना हुआ है। दूसरे तो कुछ लगभग 10 मीटर की दूरी पर ले जाकर उनकी लाश, मैंने साधु और साधुन के दोनों की लाश जो है वहाँ पड़ा हुआ है, और उस पर एक हाथी की मूर्ति जो है सीमेंट वाली, और साधु के मुड़ पे अब ऊपर से पटक के रखा गया कि ऐसे रख दिए, अब ये नहीं पता चला, लेकिन यह है कि सिर को कूच दिए हैं सब, और जिससे उनकी जान चली गई है और पुलिस आई हुई है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं साधु और साधुन, कहाँ के रहने वाले थे? तो साधु तो यहीं के हैं, पैतृक निवास इनका यहीं है। ये लोग तीन भाई भी हैं, बल्कि इनकी शादी नहीं हुई थी, शुरू से ही ये सन्यासी हुए हैं। इसी मंदिर पे ये पुजारी? इसी मंदिर पे पुजारी। और जो साधुन थी वो नेपाल की हैं। अच्छा, वो कब से यहाँ रहती हैं? अब वो भी कम से कम 20 साल से तो रही होंगी। हाँ, नियर अबाउट। ठीक है। हाँ, तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था कि कुछ उनको मारा गया कुछ? हाँ, एकदम देखते, विवाद तो किसी से नहीं है। ग्राम सभा के लोग तो भरपूर सहयोग इनका करते हैं, साल में एक बार भंडारा भी करते हैं महात्मा जी, तो सब लोग सहयोग करते हैं। अभी 20 दिन पहले अभी हनुमान जी की मूर्ति, मार्बल की मूर्ति बैठाए हैं, उसमें भी लोग सहयोग किए और भंडारा हुआ दिवाली के लगभग में।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।